अगली खबर आ रही है सीहोर से, जहां सलकनपुर मंदिर से लाखों की चोरी करने वाले चोरों को नोटों की बोरियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलकनपुर बिजासन देवी धाम मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने होशंगाबाद के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अनिल पिता मदन लाल खरे निवासी होशंगाबाद एवं शुभम कटारिया पिता मोहन कटारिया निवासी होशंगाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से दो नोटों से भरी बोरियां और घटना में प्रयुक्त लोहे की ट्रामी, लोहे काटने की आरी को जब्त किया है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी सलकनपुर निवासी राहुल राठौर के घर पर आए थे और वारदात को अंजाम दिया है। 15 नवंबर को चोरी की घटना कारित हुई थी मंदिर में, इसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, साथ ही जो भी तकनीकी साक्ष्य है उनका विश्लेषण किया गया था, जिस पर से लगातार पुलिस टीमें सक्रिय थी। इसको देखते हुए ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि राहुल राठौर के घर पे कुछ बाहरी लोग का आना हुआ है। इस दौरान उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय करने पर, तकनीकी साक्ष्यों का अन्वेषण करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इनके द्वारा पूछताछ करने पर और इनके मूवमेंट को ट्रैक करने पर जंगल में बोरियां, जो चोरी की बोरियां हैं उनको छुपाए जाने का जानकारी प्राप्त हुई। इनकी निशानदेही पर जंगल में से अभी तक दो बोरियां हमने जो चढ़ावे से भरी हुई नोटों से भरी हुई जब्त कर ली हैं। लगातार जंगल की सर्चिंग जारी है। दुर्गम एवं काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण जंगल में लगातार सर्चिंग चल रही है, इसमें हम सहयोग ले रहे हैं सभी का, और आगे भी जो अन्य इसमें संभावित आरोपी हैं उनके लिए भी तलाश जारी है, एवं जो भी शेष मचूका है वो जल्दी हम उसको गाँव।